हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, अगर जो आपके पास भी इस तरह के मोजे पड़े हैं जिनकी इलास्टिक चली गई है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो देखते हैं, तो ये देखिए, ये हमारा जो मोजा है इसमें ऊपर की साइड यहाँ पे, ये देखिए डबल फोल्डिंग जो होता है यहाँ पे, हम अंदर की साइड एक इस तरह से छोटा सा कट लगा लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हमें कट लगा लेना है, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद ये देखिए, हमने एक इलास्टिक ले ली है और सेफ्टी पिन ले लिया है। अब इसकी मदद से हम इस इलास्टिक को जहाँ पे मैंने ये कट लगाया है, इसी कट से ही हम अंदर डालेंगे। ये देखिए, यहीं से हमें डाल लेनी है इलास्टिक। इसी तरह से घुमा के हमें पूरे में डाल लेनी है। ये देखिए, अब इसके बाद ये हमने सुई धागा भी ले लिया है और ये हम सेफ्टी पिन निकाल देंगे। और यहाँ पे जो हमारे इलास्टिक के दोनों किनारे हैं, तो इनको हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिला के रख लेंगे। और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, तो हमें यहाँ पे कई बार सिलाई लगाना है ताकि इलास्टिक जो है वो अच्छे से मजबूती से सिल जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने कई बार सिलाई लगा के नॉट भी लगा लिया है। अब हम धागे को कट कर लेंगे यहीं से, ये देखिए। और यहाँ पे जो ऊपर हमारा ये कट का निशान है, ये खुला है, यहाँ पे इसको भी हमें अच्छे से सिल लेना है। तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे ऊपर की साइड भी कपड़े पे। तो ये देखिए, यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पे हमें नॉट लगा के धागे को कट कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस इलास्टिक को हमें पूरे में अच्छे से फैला देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने एक, ये देखिए मोजा हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे वाले मोजे को भी बना लेंगे। ये देखिए, तो दूसरे वाले को भी हमें इसी तरह से बना लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने दूसरे मोजे को भी बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।